ये रियलमी का नया 9 Pro Plus। भाई प्रो के बाद भी प्लस लगा दे, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड। हमने रियलमी की 8 सीरीज भी यूज करी थी, उसमें भी कैमरा काफी तगड़ा था और ये वाला रियलमी का सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन होता है, मतलब काफी अच्छे प्राइस पे काफी तगड़ी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। और हमको देखना भाई क्या नया, क्या मसालेदार, कैमरे के अंदर हर चीज के अंदर कर जा रहा है। लेट्स गो। इसके ऊपर लिखा है मार्केटिंग डिवाइस, ये स्टिकर में हटाने की कोशिश कर रहा था, फट गया। नीचे लिखा है मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड, वो तो टेक बर्नर है। ओहो मजाक कर रहे थे। कलर स्कीम जैसे रियलमी की नॉर्मली रहती है, बट भाई चलो खोल लेते हैं, डब्बा खोल लेते हैं। डेयर टू लीप, छलांगे वलांगे मारी जा रही है भाई। ये कुछ पुस्तकें जो कम होती है, आजकल पढ़ाई लिखाई वैसी कम हो गई है भाई। और ये हमारा सुई इंटरेस्टिंग है भाई, सुई हुई चुभोना हो, इंजेक्शन लगाना हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये भाई साथ में प्लास्टिक का कवर दे रखा है, सही है, डिसेंट क्वालिटी। बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट, ओ भाई इंटरेस्टिंग, इसको रखते हैं एक साइड में। ये है एक 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर, ये एक यूएसबी टाइप सी केबल। अब आ जाते हैं भाई स्मार्टफोन के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रियलमी का नया 9 Pro Plus अल्टीमेट मैक्सिमम 100% सुपर डुपर एडिशन। नाम में जितनी चीज है भाई, 9 Pro के आगे भी प्लस हो गया। पीछे की तरफ बहुत ही ज्यादा चमकने वाला ग्लास और यहाँ पे काफी सारे छोटे छोटे से चमकने वाले से पार्टिकल से लगे हुए, काफी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। हाथ में पकड़ने में एक लाइट वेट और एक पतला स्मार्टफोन लग रहा है, बट साइड जो है पूरे ही प्लास्टिक के हैं। लेफ्ट साइड पे वॉल्यूम रॉकर्स हैं, एक सिम कार्ड वाला स्लॉट है, सिम 1 सिम 2 की जगह भाई डाल रखी है यहाँ पे। राइट साइड में अगर आप नोटिस करो एक पावर बटन है, ऊपर की साइड पे एक छोटा सा माइक्रोफोन, नीचे की साइड पे हमारा स्पीकर, यूएसबी टाइप सी और सबका चाहिए था 3.5mm हेडफोन। दिस इज द रियल डील। मैं भाई सही बताऊं, वायरलेस में कोई मजा नहीं, अपना चार्जिंग पे लगाते रहो, परेशान होते रहो, कहीं इधर उधर घूम जाते हैं। वायर में सही है भाई, कान में बसो, कोई बैट चार्जिंग नहीं, कुछ बैटरी नहीं भाई, सब बढ़िया भाई। बट अटक गया तो दिक्कत हो जाती है ना, टूट जाता है। गुड पॉइंट। पीछे की साइड पे एक 3 कैमरे का सेटअप भी है और एक कैमरा बम्प है जो हल्का सा, ऑफ कोर्स हल्का फुल्का वॉबल है, बट केस भी लगा लेते हैं भाई, फिटिंग बढ़िया लग रही है। डिस्प्ले फ्रंट की साइड में एक 6.4 इंच का 90 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, इस प्राइस पॉइंट पे वैसे 120 हर्ट्ज वाली मिल जाते हैं, बट लाइक जो कलर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्ट है, जितना वाइब्रेंसी आपको देखने मिल रहा है, वो डेफिनेटली काफी तगड़ी है भाई। स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, पता ही नहीं चला भाई, रुको। गोरिल्ला ग्लास है इसमें, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी है, अभी जस्ट चेक करा। इस प्राइस पॉइंट में 240 हर्ट्ज के अराउंड मिल जाता है, बट ओवरऑल जो डिस्प्ले है वो काफी ब्राइट है और जो बेजेस भी हैं साइड पे भी, टॉप के साइड पे भी, वो भी काफी अच्छी लग रही है। एक 65 वॉट का चार्जर दे रखा है और ऑफ कोर्स दिखने में भाई पतला सा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक 4500 mAh की बैटरी है, तो भाई हल्का फुल्का तो कहीं ना कहीं तो इधर ऊपर नीचे करना पड़ता है। बैटरी के मामले में रियलमी के फोन काफी अग्रेसिव होते हैं, तो आपका 1 से 1.5 दिन चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 से 20 मिनट में आपका भाई 60% तक चार्ज हो जाएगा। हमने 1 घंटा गेम्स खेली, कैमरा चला और यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद इसमें 12% बैटरी कमी थी, मतलब लाइक सही है। इस वाले स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक 920 आपको देखने को मिलता है, ये स्नैपड्रैगन 778 है, उससे हल्की सी कम आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है, बट भाई जितना मैंने यूज करा डेली टास्क में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काफी हद तक एक स्नैपी एक्सपीरियंस है। और 120 हर्ट्ज वाली स्क्रीन है, बट लाइक डिसेंट एक्सपीरियंस जो आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन से एक्सपेक्ट करे हुए। एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है भाई, 12 बजा लेंगे, डन हो गया भाई एंड्रॉइड 12 वाओ। और जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं जो एंड्रॉइड 12 के साथ आती हैं, जैसे अगर मैं पर्सनलाइजेशन में जाऊं तो एक्चुअल भाई वॉलपेपर में कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, कौन कौन से मेरे को यूज करना है। जैसे ब्लू वाला वॉलपेपर करा, सारे कलर ब्लू हो गए, रेड वाला कर दिया तो भाई रेड वाले कलर्स आ जाएंगे। और जो एप्लीकेशन भी है, जैसे कैलकुलेटर भी खोलूँ तो कैलकुलेटर में भी भाई जो कलर स्कीम है वो थोड़ी थोड़ी रेड होगी। और बाकी जो रियलमी यूआई के फीचर्स होते हैं पर्सनलाइजेशन में भाई, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, स्कीम्स आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज, फिंगरप्रिंट का एनिमेशन, 2-3 और छोटी छोटी चीजें। डीसी डिमिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर आप लो लाइट में भी चलाते हो, जैसे अभी भी मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं, ऑल्दो काफी ज्यादा अंधेरा है, बट स्क्रीन पे आपको बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं देखने के लिए मिलेगा, मतलब हमको भी आसानी हो जाती है भाई वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम। एक और मैं छोटी चीज नोटिस करी, ब्राइटनेस आप कम या ज्यादा करते हो ना तो बहुत स्लाइट सा वाइब्रेशन होता है और काफी अच्छा सा लगता है। और ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, रियलमी ने पहली बार अपने स्मार्टफोन के अंदर एक हार्ट रेट सेंसर ऐड करा है। हमने इसको चेक करा था, ऑल्दो हार्ट रेट मेजर करने का एक सेंसर तो है, बट उसकी एक्यूरेसी इतनी तगड़ी नहीं है जितनी स्मार्ट वॉचेस में और बाकी नॉर्मल जो गैजेट्स होते हैं उनमें होती है। वाइब्रेशन मोटर अच्छी लगी, थुचुक थुचुक वाली हल्की सी फीलिंग आ रही थी। ओह, और अगर आप एक्चुअल मेन्यू देखोगे तो काफी सारी प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं, सोलूप वोलूप सारी चीजें देखने के लिए मिल जाती हैं, बट लाइक ठीक है, अनइंस्टॉल कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्पीकर भी चेक कर लेंगे भाई, जूम 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 भाई, जूम जूम जूम, चेक कर जा भाई, बिल्कुल मजाक नहीं। ऊपर की साइड पे भी स्पीकर है, नीचे की साइड पे भी स्पीकर है, और जो आवाज है काफी क्रिस्प है, काफी लाउड है, काफी पंच भी है हल्का सा, मतलब जिस प्राइस पॉइंट के यार सबसे मस्त है। बट परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि देख सकते हो भाई, अभी ग्राफिक्स सेट कर रखी है HDR पे, अल्ट्रा पे सेट कर रखी है, अल्ट्रा HD वाला अवेलेबल नहीं है, बट खेलते हैं भाई एक बार, गेम खेल के देखेंगे तब पता चलेगा। ओ भाई स्क्रीन काफी स्मूथ है, उसकी वजह से गेम प्ले सही लग रहा है भाई। भाई क्या मारा, वाह मजा ही आ गया। ओ भागो भागो भागो, बंदूक पिस्तौल दे दो। ओ यार मर गया यार। गेम सही चल रही थी, कोई डिले या कोई भी लैग मेरे को नहीं देखने को मिला, बट इस प्राइस पॉइंट पे इससे बेटर सेटिंग्स पे आपको गेम प्ले देखने के लिए मिल जाता है। बैक साइड में अगर आप नोटिस करो, एक 3 कैमरे का सेटअप है, एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, अपना थोड़ा अपना इमोशनल सपोर्ट के लिए मिला था। रियलमी 8 सीरीज ने मुझे कैमरे में काफी ज्यादा इंप्रेस करा था, काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जो ऑप्टिमाइजेशन थी काफी इंप्रूव थी, और इस वाले में भाई हम टेस्टिंग करने के 100% रेडी हो गए। लेट्स गो। एक चीज और अगर आप नोटिस करो तो 50 मेगापिक्सल के नीचे OIS लिखा है। इस प्राइस पॉइंट पे OIS मिलना बहुत बड़ी बात है, और इस वाले स्मार्टफोन में जो सेंसर भी हुआ है वो सोनी का काफी एक अच्छा सेंसर है, मतलब एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई। हम चेकिंग भी कर लेते हैं भाई। एक वैसे छोटी चीज है, फिंगरप्रिंट स्कैनर ना काफी नीचे लगा रखा है, थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ पे रहता, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, बट कोई दिक्कत नहीं, फोटो खींचते हैं भाई। HDR ऑन है। एक चीज थोड़ी सी वियर्ड लगी, व्यू फाइंडर में हल्का सा ज्यादा ऐसा शार्पन्ड सा लगता है, बट जो फोटो आती है वो काफी अच्छी है। इस वाली फोटो में जैसे कि देख सकते हो भाई, काफी ज्यादा शार्प सा लग रहा है, और ये वाला प्राइमरी सेंसर है, काफी अच्छी डिटेल है। AI मोड देखो, इसमें AI मोड ऑफ है, अभी जैसे ऑन कर दूंगा सब ज्यादा कलरफुल हो जाता है भाई। 50 मेगापिक्सल वाली जो फोटो है उसमें काफी अच्छी डिटेल है, और जो ओवरऑल कलर्स भी हैं, जो बैलेंस हो रखे है, वो इमेज काफी अच्छी लग रही है। और जो बिना AI के है वो भाई उसमें सैचुरेशन और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा कम है। भाई सही बताओ, नॉर्मल फोटो खींच कर बाद में भी एडिट कर सकते हो, बट ओवरऑल जो फोटोज आ रही है भाई प्राइमरी कैमरे से, वो डेफिनेटली इंप्रेसिव है। वाइड एंगल से फोटो ले लेता हूं मैं। वाइड में ऑल्दो जैसे कि आप देख सकते हो डिटेल थोड़ी सी कम है, बट ओवरऑल कलर्स हैं। बैक साइड में भी भाई ये जो पेड़ वेड़ बाहर से भी दिख रहे हैं, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। बट भाई वीडियो भी हम चेक करते हैं भाई। एक मस्त चीज दिखाता हूँ, जैसे मैं इस कैमरे को काफी ज्यादा शेक भी कर रहा हूँ तो वीडियो इतनी शेक नहीं हो रही, और मतलब ऐसा फील हो रहा है कुछ गिम्बल वाली फीलिंग आ रही है। तो माधव भाई की वीडियो बनाई जाएगी। माधव भाई तुम भागते भागते आओ। कोई यार चेहरा कैप्चर तो नहीं कर पाया मैं, थोड़ा पीछे की तरफ जॉक कर। ऑल्दो स्टेबलाइजेशन चेक कर रहे थे, बट जो एक्चुअल वीडियो की ऑडियो भी आ रही है वो भी मेरे को काफी अच्छी लगी। हल्की स्टेबलाइजेशन डिसेंट है, झुटरी हल्की सी मेरे को लगी, बट इस प्राइस पॉइंट पे OIS देखने के लिए मिल रहा है भाई, काफी बड़ी बात है। भाई व्लॉग भी करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टैग बर्नर। लेट्स गो। दिस इज द वीडियो फॉर वीडियो टेस्टिंग। ये वाला वाइड एंगल से बना रखे, बताना ऑडियो कैसी आ रही है, वीडियो कैसी आ रही है। एक चीज मैंने नोटिस करी, जब फोटो लेते हैं तब एक्चुअल प्रोसेसिंग से काफी सारी नॉइज हट जाती है, बट वीडियो में वो नॉइज कैप्चर हो जाती है, और दिखता है कि भाई डिटेल थोड़ी सी कम है, बट ओवरऑल ठीक है। प्राइमरी से लो, मस्त रहेगा। पोर्ट्रेट में भी ले लेंगे भाई, सारी फोटोज। हमारी चाय वाली मॉडल्स आ गई हैं। रुको, ये वाली दिव्या की फोटो हमने पोर्ट्रेट मोड में खींची। एक्चुअल जो एज डिटेक्शन है वो काफी अच्छा सा लग रहा है, फोटोज के मामले में डेफिनेटली काफी तगड़ा है। और भी चीजें हमने ट्राई करी, जैसे नाइट मोड में भी हमने खींच के देखी, ऑल्दो फोटोज में ग्रीन आते हैं, बट जो एक्चुअल क्वालिटी है वो काफी अच्छी आ रही थी। वीडियोज ये 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर लेते, बट भाई सेल्फी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि देख सकते हो इस सारी फोटो में दाढ़ी थोड़ी सी गायब कर दी, हो सकता है मेरा हाथ गया, बट इसमें पोर्ट्रेट वाले मोड में सही आ रही है। एक्चुअल भाई एज डिटेक्शन काफी अच्छा है, बट ओवरऑल जो फोटो है, जो स्किन टोन्स आप मेरे देख सकते हो, मानस भाई के भी थोड़े से देख सकते हो, काफी अच्छे नेचुरल प्यारे से लग रहे हैं। ओवरऑल भाई कैमरे के मामले में रियलमी 8 सीरीज से एक बड़ा अपग्रेड है। बाकी सारी चीजों में एक डिसेंट स्मार्टफोन बोला जा सकता है। पुरानी वाली जो सीरीज थी उससे इसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, बट ओवरऑल मुझे थोड़े कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ज्यादा लगा। बाकी सारी चीजें डिसेंट लगी। और मैं वैसे अगर पर्सनली बताऊँ तो भाई एक 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और थोड़ा एक बेटर डिजाइन होता तो और ज्यादा बेटर वैल्यू ये बन जाता, बट अभी भी लाइक सही है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट पर लेने जा रहे हो तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बताता इस वीडियो के लाइक कर देना, सब्सक्राइब, बाय बाय।